Good morning, students. Today I'm gonna teach class 6th GK book, and this one is a book. और आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे. फर्स्ट चैप्टर है हमारा इट्सी बिट्सी इंसेक्ट्स. इट्सी बिट्सी इंसेक्ट्स मतलब बहुत छोटे छोटे कीड़े. ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? इंसेक्ट्स फॉर्म क्लोज टू 85% ऑफ ऑल नॉन एनिमल स्पीसीज. तो कीड़े मकोड़े जो होते हैं, ये जितने भी प्रजातियाँ होती हैं कीड़े मकोड़ों की, लगभग 80% तो हम लोग जानते ही हैं 80% के बारे में. एंड लेट अस गेट सम इंसेक्ट फैक्ट्स राइट. तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ इंसेक्ट्स के फैक्ट्स के बारे में जानेंगे यहाँ. तो राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स. तो आपको इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं, इसमें जो ट्रू है उसके सामने आपको ट्रू करना है, जो फॉल्स है उसके सामने फॉल्स करना है. ठीक है, तो सबसे पहला है मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स इन द वर्ल्ड लिव इन द डीप सी. तो इस दुनिया में जितने भी कीड़े मकोड़े, उनमें से ज़्यादातर कीड़े मकोड़े जो हैं वो समुद्र की गहराइयों में रहते हैं. तो ये तो बिल्कुल गलत है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स. नेक्स्ट है फायरफ्लाइज इमिट कोल्ड लाइट विच मीन्स दे इमिट लाइट विदाउट एनी हीट. तो फायरफ्लाई जो होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जुगनू, तो ये जो इसके ये जो रात में ये रोशनी देता है, तो ये ठंडा रोशनी देता है. मीन्स कि ये वो लाइट को उत्सर्जित करते हैं, उस लाइट को निकालते हैं जिसमें कि गर्मी नहीं होता है. तो ये क्या है, बिल्कुल ट्रू है. ठीक है, क्योंकि उसके लाइट में कोई हीट नहीं होता है. नेक्स्ट है गोलायत बीटल्स आर सो हैवी डैट दे कैन नॉट फ्लाई. गोलायत बीटल्स ये एक तरह का, जिसको हम लोग कह सकते हैं झिंगू टाइप का होता है, ये इतने भारी होते हैं कि ये उड़ नहीं सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या है, बिल्कुल ही फॉल्स है. नेक्स्ट है हनी बीज कैन स्टिंग ओनली वंस आफ्टर विच दे डाई. हनी बीज यानी कि मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो सिर्फ एक बार डंक मारती हैं, जिसके बाद वो मर जाती हैं. ये बिल्कुल ट्रू है. ठीक है, नेक्स्ट मॉस्किटोज कैन नॉट स्टिंग. मच्छर जो होते हैं वो डंक नहीं मारते हैं, दे जस्ट पंक्चर द स्किन. पंक्चर मतलब क्या होता है, जिस तरह एक टायर में अगर कुछ चुभ जाता है तो वो पंक्चर हो जाता है, ठीक उसी तरह हमारे स्किन को ये मॉस्किटो बस पंक्चर करते हैं. ये बिल्कुल ट्रू है. ठीक है, इसके बाद है व्हेन अटैक्ड कैटीडिड्स कैन शेड अ लिम्ब टू एस्केप द एनिमी. तो जब भी ये कैटीडिड्स नाम का जो कीड़ा है, ये जब भी अटैक करता है तो ये एक शेड बनाता है जिससे कि एनिमी भाग सकता है, जो भी जिस पर ही अटैक करता है वो आराम से भाग सकता है. तो ये क्या है, बिल्कुल ही ट्रू है. नेक्स्ट है हॉर्नेट्स येलो जैकेट्स एंड सी कैट्स किलर्स आर ऑल वेरियस काइंड्स ऑफ वास्प. तो ये जो नाम है हॉर्नेट्स येलो जैकेट्स और सी कैट्स किलर, ये सब कुछ कीड़े मकोड़ों के नाम हैं जो अलग अलग तरह के वास्प हैं. वास्प मतलब ततैया. तो ये सब बिल्कुल सही है, तो ट्रू हो जाएगा. नेक्स्ट है बटरफ्लाई इफेक्ट इज़ नॉट ए टर्म एसोसिएटेड विथ वेदर फोरकास्टिंग. तो बटरफ्लाई इफेक्ट का मतलब हुआ एक तितली वाला प्रभाव. तो इसको उस टर्म में नहीं लिया जा सकता जिससे कि हम लोग वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं. तो ये क्या है, बिल्कुल ही फॉल्स है. ठीक है, नेक्स्ट है नेम द इंसेक्ट्स डिस्क्राइब्ड इन द क्लूज बिलो. आपको उन कीड़ों का नाम लिखना है जिसके बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिसके बारे में यहाँ विस्तार से बताया गया है. नंबर वन में है दिस पोल्का डॉटेड कार्निवोर इज ऑफन सोल्ड टू फार्मर्स टू कंट्रोल पेस्ट्स सच एज एफिड्स स्केल्स एंड माइट्स. तो ये पोल्का डॉटेड का मतलब क्या हुआ, देखो जिस तरह ये एक कपड़ा है. ठीक है, ये कपड़ा है. ठीक है, कपड़ा पे बहुत सारे हम लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं जिसके ऊपर डॉटेड होता है, इस तरह से डॉटेड किया हुआ होता है. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोल्का डॉटेड. ठीक है, तो इस तरह का बहुत सारा कार्निवोर होता है. कार्निवोर का मतलब मांसाहारी. ठीक है, तो इस तरह का जो कार्निवोर होता है इसको बेचा जाता है फार्मर्स को टू कंट्रोल पेस्ट सच एज एफिड स्केल और माइट. तो फार्मर को ये बेचा जाता है इन सारे कीड़े मकोड़ों से नियंत्रण के लिए. ठीक है, तो ये क्या है, कौन सा होगा, ये लेडी बर्ड. ठीक है, इसमें हो जाएगा लेडी बर्ड. नेक्स्ट है दिस स्पीसीज ऑफ ऑरेंज एंड ब्लैक बटरफ्लाई माइग्रेट्स अक्रॉस कंटिनेंट्स समटाइम्स कवरिंग मोर देन 3000 किलोमीटर.
तो ये ऑरेंज और ब्लैक कलर का जो बटरफ्लाई होता है, ये इस तरह की प्रजातियां जो हैं वो महादेशों में जाकर माइग्रेट करती हैं, और कभी कभी ये 3,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा चली जाते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं मोनार्क बटरफ्लाई। क्या कहते हैं? मोनार्क बटरफ्लाई, ठीक है। MONARCH, मोनार्क, BUTTER FLY, बटरफ्लाई, ठीक है। नेक्स्ट, दिस वन इज ऑल्सो नोन एज द डेविल्स नीडल। इसको, ठीक है, दिस वन इज ऑल्सो नोन एज डेविल्स नीडल। तो इसको हम लोग किसी पिशाच का नीडल यानी सुई कह सकते हैं। तो ये क्या है हमारा, कौन सा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे ड्रैगन फ्लाई। ये ड्रैगन फ्लाई हुआ। नेक्स्ट है विंगलेस एंड शाइनिंग। दिस इंसेक्ट्स आर बुक वॉर्म्स एंड फीड ऑन ग्लू पेपर एंड इवन क्लॉथ्स। तो विंगलेस एंड शाइनिंग मतलब जिसमें पंख नहीं हो, ठीक है, वो चमकदार हो। ऐसे कीड़े जो होते हैं वो बुक वॉर्म्स होते हैं, जैसे किताब में वो जो कीड़ा होता है। और ये इसका खाना क्या होता है, जैसे ग्लू हुआ, पेपर हुआ, इवन क्लॉथ्स, कपड़ों में भी होता है, ये कपड़ों को, पेपर को, ये सब खा जाता है। तो ये होता है सिल्वर फिश, ठीक है। इस कीड़े का नाम सिल्वर फिश है, ठीक है। नेक्स्ट है दिस नोटोरियस प्लांट पेस्ट ऑल्सो कॉल्ड प्लांट लाउस कैन प्रोड्यूस अबाउट 50 बेबीज़ पर वीक। तो ये जो बहुत ही खतरनाक तरह का ये इंसेक्ट है, आर ऑल्सो कॉल्ड प्लांट लाउस, ये पौधे पे ज़्यादातर पाया जाता है। कैन प्रोड्यूस अबाउट 50 बेबीज़ पर वीक। ये पर सप्ताह मतलब हर एक वीक में ये लगभग 50 बच्चों को जन्म देता है, ठीक है। तो इसका नाम होगा एफिड्स, APHIDS, ठीक है। तो एफिड्स का यहाँ पे था कहीं, एफिड्स, ठीक है, एफिड्स, चलिए नहीं है यहाँ, APHIDS एफिड्स होगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 6th क्लास के लिए पहला चैप्टर पढ़ा। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट डे हम लोग अगले चैप्टर में जाएंगे। थैंक यू।